सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर लिखेंगे आज की डेट, जो कि है 11/10 यानी कि अक्टूबर 2021। कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखेंगे, वर्कशीट नंबर है 90A। आज हम हिंदी की बुक भीमझिम की कविता पढ़ेंगे, सर्दी आई। तो चलिए सभी बच्चे पढ़ते हैं। ये आपको अपनी हिंदी की जो बुक है रिमझिम, उसके पेज नंबर 92 पर मिल जाएगी। पेज नंबर 92 पे आपको ये कविता मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्दी आई, सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में दौड़े तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो बच्चों, इसमें सर्दी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह सर्दी से ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ठंड लगती है। और ये कविता लिखी है सफदर हाशमी जी ने। तो बच्चों, ये थी आज पोयम बुक से। आप भी अपनी बुक से रीड करो और अपनी वीडियो या ऑडियो मुझे भेजो। अब हम बुक के ये जो वर्कशीट दे रखी है वो पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, सर्दी आई कविता की कुछ पंक्तियाँ हम फिर से गाते हैं। अभी जो हमने कविता पढ़ी उसमें से कुछ पंक्तियाँ हम दोबारा से गाते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। बच्चों, थोड़े ही महीनों में कविता में बताई गई सर्दी जैसे ही सुकड़ी चाल कर देने वाली सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिएगा। अब आइए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में ठंड से सभी की नाक कैसे हो गई। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। क हरी, ख नीली, ग लाल या घ पीली। तो लाल नाक हो गई थी सर्दी से, तो ये है सही विकल्प। इस पे टिक लगा देंगे या गोला लगा देंगे। सेकंड प्रश्न है, नीचे सर्दियों में प्रयोग होने वाले गर्म कपड़ों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, ये क्या है? ये है मोजे, या आप इनको जुराब भी बोलते हो तो आप वो जुराब भी ले सकते हो। मोजे बीच में नुक्ता आ जाएगा, या फिर जुराबे। ये बच्चों क्या है? टोपी, जो टोपा बोलते हैं, है ना। और ये है स्वेटर, ये हम ठंड में पहनते हैं। के बाद तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कामों में से सर्दियों में आपको कौन कौन से काम करना पसंद है। जो काम पसंद है उनके आगे आपको मुस्कुराता चेहरा बनाना है। ऐसे बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाना है। और जो काम आपको नहीं पसंद है उनके आगे आपको उदास चेहरा बनाना है, इस तरह का। तो रज़ाई में सोना क्या आपको पसंद है? इन दोनों में से चेहरा बनाइए, हंसता हुआ या उदास। अगर आपको पसंद है तो हंसता हुआ, नहीं पसंद तो उदास। ठंडे पानी से नहाना, तो सर्दियों में क्या आपको ठंडे पानी से नहाना पसंद है? अब आप इन दोनों में से जो चेहरा बनाना चाहते हैं बनाइए। धूप में खेलना सर्दियों में पसंद है क्या आपको? तो हंसता हुआ चेहरा बनाइए, उदास चेहरा, जो आपको पसंद है। तो बच्चों,
ये आज की वर्कशीट करिए। इसके साथ ही बातचीत आओ बातचीत करें में दिया गया है कि ये खरगोश और ये आदमी अपने आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ये आप लिखकर वीडियो या ऑडियो में बता सकते हैं। और इसके साथ ही आप बताइए कि आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना, अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और कोविड 19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है जब भी आप बाहर से घर में आएंगे। तो बच्चों आज की वर्कशीट करिए और जो कुछ समझना है तो अपने टीचर से ज़रूर पूछिए। टेक केयर, बाय।